बस आ गया हूँ। तो उससे पहले थोड़ा आप और एंटरटेनमेंट के लिए, जैसा आपने कहा कि बवासीर का इलाज, एक पेशेंट मेरे पास आया, बड़ा एक पेशेंट मेरे पास आया, सुने आप लोग, एक पेशेंट आया, मेरा क्लिनिक ऐसा है, दरवाज़ा ऐसा है, आ रहा हमने, कैसा आ रहा देखिए आप, कैसा आ रहा देखिए, उसको क्या प्रॉब्लम है, अब आ रहा आया, आने के बाद बोला यार ये क्या हो रहा, तो मैं बहुत दर्द हो रहा मेरे को, बहुत दर्द हो रहा, परेशान हो रहा, तो बोला कहाँ गए थे, तो बोले फलां डॉक्टर के पास गया था, फिर वो एक्सरे लेना बोले, फिर वो ऑपरेशन करना बोले, बहुत पैसे हो जा रहे, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, चलिए लेटिए, ले गया, लिटा दिया, लिटाने के बाद उसको ऐसा एब्सिस हो गया था, एब्सिस, वो एब्सिस को ओपन करने का तरीका क्या है, सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, लेकिन सिर्फ मैं एक नश्तर मारा और इतना बड़ा कप हिजामा का उसको लगा दिया, ब्लड की बजाय उसके अंदर पस फॉर्मेशन है, पस भर गया, पस। उसके बाद जब उतरा ट्रीटमेंट के बाद, सिर्फ 15 मिनट के बाद आसानी से चलते हुए चले गया। दिस इज यूनानी। एक पेशेंट मेरे पास आई, क्योंकि अब मैडम जरा टाइम कम कर दो, बार इस वास्ते मैं आपके सामने अहमियत रख रहा हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन। देखिए हमारे पास यूनानी मेडिसिन के वास्ते ये अहमियत है कि हम कंपेयर करते हैं एलोपैथिक सिस्टम से, हम कंपेयर करते हैं किसे, एलोपैथिक सिस्टम से, और एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन से हम कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि उनके पास वो सर्टिफिकेट है, हमारे पास नहीं है, उनके पास ये नहीं है, हमारे पास है, उनके पास ये नहीं है, हमारे पास है, फिर बुखार आया तो एलोपैथिक खाता होना, बुखार आया तो हम क्या खा रहे हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं, पैरासिटामोल हम ले रहे हैं, ठीक है, उसकी अहमियत क्या है ये देखिए। अब अहमियत, एक डॉक्टर साहब मेरे से मिले, MBBS थे, उनको मैं बोला देखो आपके पास यूनानी में क्या है, हमारे पास है, देखिए ये कैंसर की ये दवा है, कैंसर की ये दवा है, इससे कीमोथेरेपी, सुनिए मैं गौर से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बोले कि आपके पास क्या है, एक MBBS बोले आपके पास क्या है, हमारे पास देखिए कैंसर की दवा है, हमारे पास कैंसर का इंजेक्शन है, अच्छा और आपके पास क्या है, आपके पास कोलेस्ट्रॉल के वजह से क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास देखिए Omega-3 Omega-6 9 है, बोले लिपिड है, ये देखिए आपके पास क्या है, खून पतला करने के वास्ते, हमारे पास ये देखिए क्या है, एकोस्पिरिन है, अच्छा तो आपके पास ब्रेस्ट कैंसर के वास्ते क्या है, हमारे पास देखिए ये इंजेक्शन है, अच्छा आपके पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या है, देखो टैक्सोल इंजेक्शन आता है 78,000 का एक इंजेक्शन है, टैक्सोल नाम है उसका, वो है आप देखिए हमारे पास ये है, इसे कीमोथेरेपी देते हैं, अच्छा ये है आपके पास, अच्छा ये बोलिए ये कौन सा है, ये बोले विंक्रिस्टिन है, ये कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे पास इंजेक्शन है, अच्छा वेरी गुड, अच्छा ये बताइए कि विंक्रिस्टिन कहाँ से आया, विंक्रिस्टिन कहाँ से आया, कहाँ से आया, नहीं आया, ये तो हम साइंटिस्ट बोला, देखिए विंक्रिस्टिन कहाँ से आया ये नहीं मालूम, विंक्रिस्टिन इज एक्सट्रैक्ट बाय यूनानी मेडिसिन, विंक्रिस्टिन इज एक्सट्रैक्ट बाय यूनानी मेडिसिन, दैट इज सदाबहार, क्या मैडम, सदाबहार से आपका जो इंजेक्शन निकला ये है यूनानी। अब आप किसी के सामने अगर बोल देंगे कि भाई अगर ये मालूमात है तो आप बोलेंगे ना, ये मालूमात है तो बोलेंगे ना, ये मालूमात आपके पास है, बल्कि आप कैसा मालूम होना, कैसा मालूम होना, जैसा मिसाल के तौर पर बोले कि Omega-3 Omega-6 किसके पास, आपके पास है, हाँ हमारे पास है, क्या है, अलसी है, हमारे पास अलसी है, आपके पास क्या है, Omega-3 6 होगा, ओनली ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं किसका, अलसी का, रोगन है अलसी, उसके अंदर Omega-3 है Omega-6 है नहीं है, यह है यूनानी, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनानी। अने जो जो सिस्टम, मिसाल के तौर पर आप होमियो ले लीजिए, आप होमियो इज डिपेंड अपॉन यूनानी प्लांट्स, दैट इज यूनानी मेडिसिन। ये देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये यूनानी क्या है, ये खजाना है, यूनानी एक खजाना है जिसके अंदर सारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसा रेजिमेंटल थेरेपी है,
है नहीं है, है नहीं है, है उसमें क्या है, मसाज है नहीं है, बोलो है नहीं है, है। आजकल दुनिया मसाज के नाम पे एक यूनिवर्सिटी खोल ली जिसको बोलते हैं स्पा, स्पा के नाम से यूनानी यूनानी तरीके इलाज को जैसे वो लोग आगे लेके जा रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारे हमारे खजाने में से एक को निकाल लिए, अब आया है हमारे खजाने में एक हिजामा, हिजामा एक आया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस में भी आ गया है हिजामा, सरकार की सुन्नत भी है, सरकार फरमाए कि बेहतरीन इलाजों में से इलाज हिजामा, बेहतरीन इलाजों में से इलाज हिजामा। सरकार की बातों पे अहमियत नहीं है हमारे को, जब सरकार की बातों पे अहमियत नहीं रखेंगे तो आपकी यूनानी को कौन अहमियत देगा, है नहीं है। तो बहरहाल कलौंजी है, कलौंजी सरकार फरमाए के सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा है। आप देखिए कलौंजी के ताल्लुक से मैं रिसर्च करा, क्या करा रिसर्च, कि उसमें 27 टाइप्स ऑफ डिसीजेस, 27 टाइप्स ऑफ डिसीजेस में कलौंजी शामिल है। रिसर्च करो मैं आपको, ये ऐसा ऐसी बातें करो मैं आपको, मेडिसिनल प्लांट शोस एंटी कैंसर एक्टिविटी, अगर आप गूगल पर जाते हैं तो देखिए उसके अंदर मेडिसिनल प्लांट शोस एंटी कैंसर एक्टिविटी, निकालिए पूरी लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, उसके अंदर यूनानी कितने हैं देखिए आप। आपको स्टडी ऐसा करना चाहिए, स्टडी कैसा करना चाहिए, खाली आप ये तो अलग बात है कि आपका जो सिस्टम है चार पे डिपेंड है, अखलाक पे डिपेंड है, अरकान पे डिपेंड है नहीं है। रेजिमेंटल थेरेपीज फर्स्ट सिस्टम है आपका जो आपको इलाज आपको देगा। परसों एक मरीज मेरे पास आई थी जिसको जल्दी बोल रहा हूँ मैडम, जल्दी बोल रहा हूँ, परसों एक मरीज आई थी मेरे पास, उसको जो है थायराइड था, थायराइड में नोडल्स थे, मैडम सुनिए आप भी, नोडल्स थे, ट्यूमर था, ट्यूमर, और हाइपरथायराइडिज्म हो गया उसको, हाइपरथायराइडिज्म 0.03 उसका TSH हो गया 0.03। मैं 5-10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट।